गुड मॉर्निंग एवरी वन लास्ट क्लास वी हेड डन फ्यू प्रॉब्लम ऑन अमलगमेशन मिशन टूडे वी विल प्रैक्टिस फ्यू मोर सो एक होमवर्क था एक क्वेश्चन का अपने को बैलेंस शीट बनाना था इलास्ट्रेशन सिक्स का राइट वी वे सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट सो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले बोनस शेयर था राइट सो वी हैड एक्सप्लेन यू द ऑफ बोनस शेयर फर्स्ट बेसिकली इट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट राइट जर्नलिजर पीएल को अपन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं कब ऐसा फॉलो करते हैं जब हमारे पास में कैश uh, ना हो डिविडेंड देने के लिए तो अपने स्क्रिप्ट डिविडेंड दे, दे देते हैं प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं राइट एंड इन्वेस्टर्स दे माइट प्रेफर स्क्रिप्ट डिविडेंट इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंट बिकॉज

इसके अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग बहुत सारा रिजर्व यूज करते हैं कैपिटल रिडमशन रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व पीएल एंड उससे हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे सो कैपिटल इज मतलब कोई भी एसेट अगर अपन बेचते हैं फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूशन रिजर्व इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड समटाइम्स टू कैपिटल रिजर्व दैट इज नॉट बींग सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इशू पार वैल्यू से ज्यादा में इशू हुआ है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं

तो मेरा डिप्लीट नहीं हुआ दैट केस रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे कोई भी बिकॉज एक एक तरफ से कैपिटल जा रहा है दूसरी तरफ से आ भी रहा है सो इन दैट केस डोंट नीड टू क्रिएट सी आर आर ये बाई चैप्टर में हम लोग देख लेंगे राइट right? देन हम लोग पीसी कैलकुलेशन किया तो पहले बोनस शेयर का इफेक्ट देना है उसके बाद पीसी कैलकुलेशन हो रहा है राइट एंड पीसी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ शेयर नया कंपनी कितना दे रहा है ये नहीं मेंशन था हम लोगों ने क्या किया नया कंपनी उतना शेयर देगा सो एज टू मेंटेन द राइट सो अकॉर्डिंगली वी हैव गॉट अकॉर्डिंगलीउजेंड न्यू शेयर पीसी कैलकुलेशन आया था एंड देन वी टोल्ड टू डू क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी दैट वी हैव डन राइट एंड वी हैव ऑल्सो डन ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड यहां पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा

क्वि शेयर होल्ड ऑफ कमी ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर दो इक्वटी शेयर शेयर नहीं है सारा दल्ड कैर ऑन दू कॉप्शन सो यहाँ पे बिजनेस परचेज का एंट्री किया सींस पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है बोलकर पुराने कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस को भी टेक ओवर किया गया है एंट्री <coughs> में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है मेथड में जो डिफरेंस आता है एसेट लैबलिटी इनकॉर्पोरेटेड में वो गुडविल में जाता है बट यहां पे डिफरेंस आने से पीएल में जाता है बट यहां पे डिफरेंस आया नहीं देन को पे ऑफ कर दिया शेयर प्रीमियम इश्यू हुआ है नया कंपनी का वैल्यू डेढ़ सौ है म्यूचुअल इंडेटिव सेट ऑफ एंड देन स्टॉक रिजर्व तो ये सब हमने देख लिया है अभी हमको नया बैलेंस शीट बनाना है ये होमवर्क में था बेस्ट लिमिटेड का अपन so, को क्या बनाना है बेस्ट लिमिटेड एज ऑन इसकी जो डेट होगी वो क्या होगी मैं चेक कर लेता हूं फर्स्ट अप्रैल टू जीरो एक्स वन ठीक शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल नोट वन अच्छा ऑल फिगर्स आर इन लैक्स लिख देता हूं यहां बीस हजार शेयर है आ? दस हजार शेयर नया कंपनी और दिया है पीसी कैलकुलेशन में आया तो थर्टी थाउजेंड शेयर हो गया आया ना थर्टी लैक्स Out of above ten thousand equity share has been issued for. ठीक है नोट टू रिजर्व सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस है कितना मेरा अपना टेन लाख तुम्हारा थ्री लाख नहीं वो तो ऑलरेडी पुराना कंपनी में एडजस्ट हो गया ना फाइव लाख तो थ्री लाख ही हमने टेक ओवर किया जो टेक ओवर किया वही देखो एंट्री नंबर यहां पे टेक ओवर किया ना और नया रिजर्व आया सिक्योरिटी प्रीमियम फाइव लाख अभी इसमें गलती एटोज वन मिस्टेक हमेशा याद रखना जब भी पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा होगा देयर विल बी सम एडजस्टमेंट एंट्री नंबर टू में कोई डिफरेंस नहीं आया यहां पे नो डिफरेंस बिटवीन एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व इन कॉर्पोरेशन या तो पीएल डेबिट आता जैसे वहां गुडविल बैलेंसिंग फिगर आता है कैपिटल इजर बैलेंसिंग फिगर आता है तो यहां पर भी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस स्टिल देयर कैन बी डिफरेंस बट दर इज नो डिफरेंस बट स्टॉक का है ना लिक्विडेशन एक्सपेंस का हो सकता है तो वहां पे सब गुडविल कैपिटलिजम में एडजस्ट होता है बट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में ऑल एडजस्टमेंट इज डन थ्रू पीएल राइट तो ये वाला आपको ध्यान देना है ठीक है ना तो ये एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा थ्री जीरो पॉइंट वन जीरो कितना है ट्वेल्व पॉइंट नाइन जीरो डन हाउ मच 17.90 पॉइंट नाइन जीरो नॉन करेंट नहीं है सीधा करेंट लाइबिलिटी मेरा अपना कितना है बीस खरीदा कितना दो और वन इंटर कॉन्ट्रा व्हाट इज द टोटल सिक्सटी एट नाइन एसेट्स नॉन करेंट एसेट में कौन सा है पीपी मेरा अपना पीपी कितना है और कितना लिया फोर्टी और कुछ है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मेरा अपना कितना है और उसका मेरा अपना कितना है बीस फाइव ओवर माइनस सेट ऑफ न इसमें स्टॉक भी है और डेटर भी है तो स्टॉक का एडजस्टमेंट भी माइनस होगा और डेटर का एडजस्टमेंट भी माइनस होगा ठीक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बार बार तब तक आपको तो और बेटर क्लैरिटी नहीं मिलेगा सो ऑलवेज यू शुड एज होमवर्क क्योंकि सोल्यूशन भी दिया हुआ है तो आप लोग देख के कर सकते हैं राइट इज इट फाइन विद ऑल ऑफ यू आइए सो नाउ वी विल सी दैट इसका सारा इलास्ट्रेशन वी डन Now it's time to go for uh, practice questions. सो लेटस डू नंबर नाइन प्रैक्टिस क्वेश्चन नाइन आपके बुक में है प्रैक्टिस क्वेश्चन नाइन Just give it a reading first. फॉलोइंग आ द बैलेंस शीट ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू जीरो एक्स वन राइट दोनों का बैलेंस शीट दे दिया शेयर कैपिटल में नोट्स दिया हुआ है ठीक है रिजर्व प्लस दे दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में येस yes का नहीं है खाली नो no का है करेंट लेबिटी दे दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया ठीक है नोट्स देख लेते हैं ऑथराइज कैपिटल से कोई मतलब नहीं है इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट टोटल इसे डबल लाइन किया हुआ है यहां पे 1.2 करोड़ शेयर्स है और यहां पे 0.5 करोड़ मतलब 50 लाख शेयर्स है 12 करोड़ को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1.2 करोड़ शेयर्स आएगा और 5 करोड़ को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.5 करोड़ शेयर मतलब 50 लाख शेयर आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में वी हैव अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यश वेट ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दिया हुआ नेक्स्ट व थर्टी लैख शेयर ऑफ रूपीज टेन इंच थ्री लैख एंड लॉन्ग टर्म लोन टू नो तो वहां लाइबिलिटी है यहां पे एसेट है म्यूचुअल इंडेटेव ने सेटअप होगा पोस्ट टेकओवर नो no के लिए लाइबिलिटी है ये और यस yes के लिए ये एसेट है ना सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन से कंपनी में ये कुछ बोलो अदर कोई कंपनी में होगा मेरे पास किसी एक कंपनी का थर्टी लाख शेयर पड़ा हुआ है सम एक्स वाई जेड कंपनी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है मेरा राइट एक्स एब्सॉर्ब नो लिमिटेड दिस इज न्यू कंपनी एंड दिस इज ओल्ड कंपनी मतलब जब ये मैं इसका एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करूंगा ना तो जब मैं इसका लाइबिलिटी टेक ओवर करूंगा राइट व्हेन आई टेक ओवर दिस लाइबिलिटी तो ऑटोमेटिकली इस इन्वेस्टमेंट में जो लोन दिखाया हुआ है वो म्यूचुअल इंडेटिव सेट सेटअप होगा देखिए नीचे नोट्स में भी दिखाया हुआ है ये लाइबिलिटी और ये एसेट ठीक है नो no लिमिटेड का शेयर होल्डर को एक शेयर मिलेगा यस का बारह रुपया में यस का एक शेयर का फेस वैल्यू टेन रुपीज है फॉर एवरी फाइव इक्विटी शेयर दोनों का बुक्स में जनरल एंट्री करने बोला है और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं भी बोलता तो भी यही करते राइट सर सबसे पहले हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन नाइन सबसे पहले पीसी मतलब अमाउंट पेएबल बाय यस लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नो लिमिटेड हा या ना बोलो इसमें कोई दोहराया यश देगा इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नो लिमिटेड को हा है ना पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ नो लिमिटेड को मिलेगा पेमेंट इन क्या मिलेगा इक्विटी शेयर इन यस लिमिटेड वर्किंग्स ध्यान से सुनना एक शेयर दूंगा पांच के बदली में इनटू 0.5 फाइव सी आर करोड़ शेयर खाया ना और एक एक शेयर का वैल्यू बारह है सो अमाउंट इन करोड़ आएगा कि नहीं आएगा वन पॉइंट टू सी आर पांच ओल्ड के बदली में एक नया मिल रहा है पचास लाख है हम लोग पांच करोड़ की शेयर कैपिटल थी नंबर्स क्या है इसके पॉइंट फाइव करोड़ शेयर्स सिंपल है ना तो पंगा वाला बात ही नहीं है इसमें पुराना कंपनी का शेयर होल्डर को लिखा एक्स एक्सॉप्ट व नो एक्स ने नो को एब्सॉर्ब कर लिया तो एक्स न्यू हो गया नो ओल्ड हो गया ओल्ड के कितने शेयर है फाइव करोड़ शेयर कैपिटल डिवाइड बाई टेन पॉइंट फाइव करोड़ शेयर इनको शेयर ही मिल रहा है के में एक दिस इज वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी न्यू कंपनी इज गिविंग एट ट्वेल्व तो जब इसकी एंट्री होगी दस शेयर कैपिटल दो रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम नया कंपनी में ओल्ड को तो बारह में मिलेगा इश्यूइंग कंपनी ब्रेकअप दिखाती है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नो लिमिटेड सर ये लो बन गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा ईएस लिमिटेड अकाउंट बनेगा और बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट ऑल फिगर्स आर इन रूपी सी आर इक्विटी शेयर कैपिटल पांच करोड़ की है रिजर्व एंसरप्ल खाली पुराना कंपनी का बुक वैल्यू चाहिए अपने को ओल्ड वाला इसकी रिजर्वेंस प्लस दस लाख है ठीक है बैलेंस शीट ऑफ नो प्लस पीसी और कुछ नहीं चाहिए एसेट में क्या क्या है अब एसेड लेवटी सब रियलाइजेशन में जाएगा लाइबिलिटी में तो खाली अनसिक्योर्ड लोन और करेंट लाइबिलिटी है अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस दस बाई करेंट लाइबिलिटी पंद्रह सब बुक वैल्यू में बाद में खरीदने के बाद सेट ऑफ होगा <coughs> सर शेयर कैपिटल डाल दिया हमने ये चला गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में यह भी चला गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ये दोनों चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में सब बुक वैल्यू में जाएगा हालांकि नया कंपनी खरीदा भी बुक वैल्यू में है ये दोनों भी जाएगा रियलाइजेशन में पीपी में है सिक्स बट दो अलग अलग अकाउंट है ना जैसे अगर आप देखेंगे इसका नोट ग्रॉस है थर्टी एक्यूमुलेटेड है ट्वेंटी फोर अगर सिक्स ट्रांसफर करेंगे तो ग्रॉस में ट्वेंटी फोर बच जाएगा एक्यूमुलेटेड में ट्वेंटी फोर बच जाएगा हालांकि बुक वैल्यू जीरो ही है बट अकाउंट दो तो अनक्लोज रह जाएगा इसीलिए अपन क्या करेंगे हमेशा नया कंपनी सिक्स में ही खरीदेगा वो भी नेट बुक वैल्यू ही है बट हम लोग क्या करेंगे टू पीपी थर्टी दिखाएंगे और यहां पे बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन ट्वेंटी फोर अल्टीमेटली सिक्स ही हुआ ठीक है करंट एसेट थर्टी फोर डन तो बैलेंस शीट का सारा आइटम को कहीं ना कहीं डाल दिया अब पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट रियलाइजेशन वन पॉइंट टू इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री यहां आएगी बाई एस वन पॉइंट टू ये रियलाइज हो गया तो ये क्लोज ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट अब पैकअप करना है ना क्या करना है पैकअप करना है पैकअप पैक कैसे होगा बोलो इसको यहाँ डाल दो बस और तो कुछ है ही नहीं बाई इक्विटी शेयर होल्डर रियलाइजेशन लॉस आएगा कितना रहा है थर्टीन पॉइंट एट मैच हो जाएगा इससे आसान सवाल हो सकता है नहीं डन अब अपने को ओपनिंग एंट्री करना है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ यश लिमिटेड ठीक है और क्वेश्चन में बोली दिया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है राइट ठीक है क्वेश्चन में बोल दिया है ना पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है तो एसेट भी खरीदेंगे लाइबिलिटी भी खरीदेंगे और रिजर्व भी खरीदेंगे बोलिए पीपी सब बुक वैल्यू में खरीदा जाएगा बुक वैल्यू इसका सिक्स है करंट एसेट थर्टी फोर एक लाइन छोड़ के टू करेंट लाइबिलिटी कितना फिफ्टीन टू अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस कितना टेन टू रिजर्व एंड सरप्लस कितना टेन टू बिजनेस परचेस 1.20 ना बताओ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बीइंग एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंस आ रहा है पी एल बैलेंसिंग फिगर कितना थ्री पॉइंट एट जीरो का डिफरेंस आ रहा है यही अगर परचेस मेथड होता तो टू कैपिटल रिजर्व कर देते हैं यही अगर परचेस मेथड होता तो टू कैपिटल रिजर्व कर देता मैं నా నెక్స్ట్ huh? पीसी पेमेंट करना है लिक्विडेटर ऑफ नो लिमिटेड डेबिट वन पॉइंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा वन सी बाकी चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जीरो पॉइंट टू जीरो मिंग पी पेड और कौन होगा अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस इसको डेबिट करके लोन टू नो लिमिटेड को सेट ऑफ करेंगे Being mutual indebtedness set of. डन इसका बैलेंस शीट बनाइए जल्दी से क्विकली मेक द बैलेंस शीट बैलेंस शीट कैसे बनेगा यस लिमिटेड बैलेंस शीट का डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल ठीक है तो मेरा अपना प्लस जनरल एंट्री हाँ है ना मेरा अपना वाला प्लस जनरल एंट्री यस yes और नो no? पोस्ट एब्जॉपन रुपीज इन क्रोर नोट्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर कैपिटल में नोट वन 1.2 करोड़ प्लस ध्यान देना अगर मैं ये फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करूं तो 0.1 करोड़ मतलब 10 लाख शेयर नया कंपनी दिया है इसको हम लोग स्वाप रेशो भी बोलते हैं एक्सचेंज रेशियो कितना ओल्ड के बदले में कितना नया शेयर स्वाप रेशियो राइट तो 1.2 करोड़ शेयर्स हैं तो 1.3 करोड़ लेकिन उसके पहले उसके पहले एक और चीज है करोड़ और एच, 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच 25 करोड़ डबल नाइन ऑथराइज कैपिटल 1.2 मेरा था 0.1 मैंने और इश्यू किया इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इंच फुल्ली पेड सो थर्टीन करोड़ सो so, टोटल भी थर्टीन आएगा आउट ऑफ एव 0.1 पॉइंट वन करोड़ मतलब दस लाख शेयर Ten lakh equity share has been issued for consideration other than cash. ठीक है यहां पे थर्टीन आ गया रिजर्वेंस प्लस नोट टू ऑलरेडी रिजर्वेंस प्लस कितना है मेरा एटी एट तुम्हारा टेन प्लस थ्री पॉइंट एट जीरो डिफरेंस का क्रेडिट है ना तो ऐड होगा नॉन करंट लाइबिलिटी तो खत्म हो गया सीधा करंट लाइबिलिटी आएगा मेरा अपना कितना है थर्टी थ्री तुम्हारा पंद्रह मेरा थर्टी थ्री तुम्हारा पंद्रह इन्वेस्टमेंट में तेरा था दस सेट ऑफ हो गया तीन बचेगा पीपी में मेरा नेट कितना है मेरा नेट ट्वेंटी है और तुम्हारा सिक्स ट्वेंटी सिक्स करेंट असेट मेरा कितना है तुम्हारा तो थर्टी फोर लिया मेरा कितना है हाँ हंड्रेड वन थर्टी फोर हो गया डन ऑल डन सो बैलेंस शीट जब बनाएंगे नया कंपनी का अपना जो बैलेंस शीट होगा उसमें जो जर्नल एंट्री आया उसको ऐड कर देंगे बस बस खाली सेट ऑफ का शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है अनरियलाइज प्रॉफिट ये सब का एडजस्टमेंट थोड़ा देख लेना है एंट्री नंबर टू में जो गुडविल कैपिटल रिजर्व ये तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में था तो पीएल में डिफरेंस आया पीएल क्रेडिट हुआ था तो मेरा रिजर्वेंसा प्लस के साथ ऐड हो गया ज इट फाइन विथ ऑल ऑफ यू शैल बी मूव है हेड ओके आइए नंबर टेन करते हैं एक्स एंड वाई का बैलेंस शीट दे दिया ठीक है करेंट एसेट वगैरह सब दे दिया दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया एक का पॉजिटिव बैलेंस है डेबिट बैलेंस है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तुमसे लोन लिया हुआ है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में तुम हमको लोन दिया है अभी दिस इज नॉट एब्जॉर्प्शन राइट दिस इज अमलगमेशन ठीक है सं्री एसेट ऑफ एक्स के लिए क्या बोला है वन लाख में रिवैल्यू हो रहा है और डेप ड्यू टू तो एक्स लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज बाय वे ऑफ शेयर इन न्यू कंपनी यस और नो खाली हमको एक्स का करने बोला है एक्स का ओल्ड कंपनी करने बोला है क्लियरली मेंशन कर दिया करना है क्या है तो ये जो कॉन्ट्रा वाला एंट्री है ये कब होगा न्यू कंपनी में एक्स को जब क्लोज करेंगे इसको मतलब नहीं है वाई को जब क्लोज करेंगे मतलब नहीं है मी पीसी कौन सा मेथड से आएगा इस क्वेश्चन में hmm? बोलो कौन सा मेथड से आएगा अब ध्यान से सुनना ये एक्स है ये वाई है दोनों ही ओल्ड कंपनी है आर व्हाट? ओल्ड कंपनी तो पीसी कौन देगा एक्स वाई देगा एक्स को एक्स वाई देगा वाई को हम्म clear this is debt due to x this is loan to y क्वेश्चन हाँ? में बोला है इसका भी हमको शेयर मिलेगा व्हाट इज नेटो फर्स्ट टेल मी नेटो क्या होता है नेट एसेट टेकन ओवर मतलब वहां पे जितना भी एसेट है सबके बदली में हमको नया कंपनी क्या देता है शेयर देता है

taken over at market value. है ना सपोज नेटो कुछ भी आता है सपोज नेटो आता है पचास हजार इसका मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज दिस दिस नेटो इज पी एंड हाउ यू विल डिस्चार्ज दिस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इन एक्स वाई बेसिकली इन दिस नेटो माई पीपीई इज देयर इस नेटो में मेरा नेट करेंट एसेट है इस नेटो में मेरा इन्वेस्टमेंट है मतलब हर एक एसेट के लिए तुम मेरे को अपना कंपनी का शेयर दे रहा है आई एम गिविंग यू वन एसेट एंड यू आर गिविंग मी इक्विटी शेयर वो भी मेरे लिए एसेट ही है ना ट्राई टू अंडरस्टैंड इस नेटो में क्या क्या है पहले यह क्लियर करो नेटो में सर पीपीई है नेटो में नॉन करेंट एसेट है नेटो में इन्वेस्टमेंट भी है मेरा नेटो में सब कुछ है ना नेटो में सब कुछ है अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कहां किया हुआ है लोन टू वाई है लाइबिलिटी किसका है ये मेरे लिए तो एसेट हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट का नाम है लोन टू वाई लेकिन ये किसके बुक्स में लाइबिलिटी है वाइज बुक्स में क्या है ये लोन फ्रॉम एक्स इसका लाइबिलिटी है ना ये इस लाइबिलिटी को कैसे सेटल कर रहा है इक्विटी शेयर इन एक्स वाई बोला है कंसीडर इट एज टू डिफरेंट कंपनी Osionfish. भूल जो अमल गमेशन हो रहा है फॉरगेट मिला के नया कंपनी बन रहा है बस खाली मेरे को एक चीज बताओ, नेटो में जो-जो एसेट है, उन सब के लिए मेरे को शेयर मिला है कि नहीं नया कंपनी का मिला है दिस इज दॉर्मलशन विच वी टेक नेटो में तुमको ये बेच दिया नेटो में तुमको ये बेच दिया मैंने नेटो में तुमको ये बेच दिया नेटो में, में, में तुमको बहुत सारा चीज बेच दिया ठीक है दस एसेट बेच दिया इस दस एसेट के बदले में तू मेरे को क्या दे रहे हो इक्विटी शेयर इस नेटो में मेरा इन्वेस्टमेंट भी है वो इन्वेस्टमेंट किसी और के बुक्स में लाइबिलिटी है जस्ट लाइक डिवेंचर होल्डर तो डिवेंचर होल्डर को भी तो नया कंपनी बदले में कुछ देता है क्या देता है डिवेंचर पुराना लेके नया दे देता है डिवेंचर होल्डर को वो कैश भी सेटल कर सकता है डिवेंचर होल्डर को वो इक्विटी शेयर भी दे सकता है वो तो टेक के बाद होता है ना, <coughs> तो अल्टीमेटली नेटो में जो भी है उसके बदले में मेरे को शेयर मिल रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट जो है उसके बदले में भी शेयर मिल रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं नेटो को आई विल ब्रेक इन टू पार्ट्स इसका मैं अलग से ले लूंगा इसका मैं अलग से ले लूंगा बोल सकता हूं ना इसका मेरे को कौन देगा डायरेक्टली मिलेगा एक्स वाई से और ये वाला वाई के थ्रू मिलेगा अल्टीमेटली तो बात वही हो रहा है ना इतना घुमा फिरा के बोलने का क्या था चीज को समझा ना नेटो में जो जो है हर एक चीज का हमको पैसा मिल रहा है यहां पे तो बोला नहीं ना पुराना कंपनी को नया कंपनी कितना शेयर दे रहा है तो नेट पेमेंट मेथड होता बट अल्टीमेटली नेट पेमेंट को भी अपने नेटो से कंपेयर करते हैं गुडविल कैपिटलिज्म निकालने के लिए कि हमने ज्यादा में बेच दिया कि सस्ते में बेच दिया अकॉर्डिंगली मेरे बुक्स में गुडविल कैपिटल आता है नया कंपनी दिखाता है उसको कि उसने ज्यादा में खरीदा कि सस्ते में खरीदा बाई कंपेयरिंग विद पीसी अल्टीमेटली नेटो पीसी से कंपेयर होता है ना तो कहीं ना कहीं नेटो में जो जो सामान मैंने बेचा है इसी उसके लिए होता है बट है कॉमन सेंस का बात है ये तो नेटो में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है नेटो में करंट एसेट है नेटो में इन्वेस्टमेंट है तो हर एक चीज के लिए मेरे को नया कंपनी शेयर दे रहा है अपना पीपी के लिए भी मेरे को नया कंपनी का शेयर मिला करंट एसेट के लिए भी मेरे को नया कंपनी का शेयर मिला इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरे को नया कंपनी का शेयर मिला क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट वाई में है वाई भी नया कंपनी में अमल गेट हो रहा है और नया कंपनी वाई का लोन के लिए शेयर दे रहा है यूजुअली डिवेंचर होल्डर जब नया कंपनी लेता तो बदली में नया डिवेंचर होल्डर दे देता है नया डिवेंचर दे, दे देता है बट यहां पर डिवेंचर टेक ओवर करके शेयर दे दे रहा है तो अल्टीमेटली इट इज सेटिस्फाइड माई नेटो का डेफिनेशन फर्क सिर्फ यह है इसका डायरेक्टली हो रहा है हाँ या ना और उसका वाई के थ्रू मिलेगा यस और नो is it fine hm so now what we will do i'll show you two alternative treatments suppose if they do not have Mentioned debt due to X limited is to be discharged by equity share of XY. ठीक है तो अपन क्या करते हैं पीसी निकालते निकालते भाई नेट एसेट मेथड यस और नो अमाउंट पेबल बाई एक्स वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड तो क्या करेंगे पीपीई एट मार्केट वैल्यू कितना वन लैख इन्वेस्टमेंट्स पंद्रह हजार एक सौ पंद्रह लेस करेंट लाइबिलिटी पच्चीस सो दिस इज नेटो एंड दिस इज पीसी और नया कंपनी अपना शेयर देगा टू बी डिस्चार्ज बाई इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड खत्म कहानी नेटो में हर एक चीज का पैसा मिलता है सीधा सा बात है बदले में शेयर मिल रहा है पीपी के लिए भी शेयर मिल रहा है नॉन करेंट एसेट के लिए भी शेयर मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी शेयर मिल रहा है

इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है एक्स का इक्विटी एक शेयर कैपिटल कितना है वन लाख आई गैस हम्म रिजर्वेंसर प्लस टेन सब बुक वैल्यू में ट्रांसफर होगा है ना राइट टू पीपी वन लैक ट्वेंटी बुक वैल्यू ओल्ड कंपनी का क्लोजिंग एंट्री कर रहे हैं ना क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट दैट इज लोन टू वाई भी मैंने खरीद लिया ठीक है बाई करेंट लाइबिलिटी ट्वेंटी फाइव जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही कर रहे हैं अल्टीमेटली कहानी पूरा सेम होगा एट द एंड राइट ठीक है अब पीसी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट हाँ यहाँ ना बोलो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हाँ 90 बाई एक्स फाइव लिमिटेड कितना Ninety by equity share in XY ninety. डन ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट आया ना बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट रियलाइजेशन लॉस बीस हज़ार टू रियलाइजेशन बीस हजार टैली हो जाएगा है ना अब होगा क्या यहां पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो मैंने तुमसे लिया नया कंपनी टेकओवर किया नया कंपनी तुमको उस चीज का पैसा दे दिया राइट तो इसका मतलब वाई को भी नया कंपनी टेक ओवर कर रहा है तो जब नेटो निकाला जाएगा वाई का नेटो ऑफ वाई द एसेट्स फॉर दिस पर्सन सिक्सटी ओनली राइट इसका सिक्सटी माइनस फाइव माइनस पंद्रह मतलब मैं तुमको चालीस हजार ही पीसी दूंगा है ना वाई बोल रहा है कि एक्स मेरे से पैसा मांग रहा है एक्स मेरे से पैसा मांग रहा है एक्स मेरे से पैसा मां... बोला तुमसे नहीं मांग रहा है मैंने उसका इन्वेस्टमेंट खरीद लिया मेरे नेटो में मैंने उसको इंक्लूड कर दिया राइट <coughs> right? नाउ दिस लाइबिलिटी आई विल एज्यूम तो नेटो फोर्टी थाउजेंड ही माना जाएगा इज इट फाइंड बोलेक्स अब तुमसे नहीं मांगेगा तुम चालीस हजार लो अपना शेयर होल्डर को दे दो काम खत्म दिस इज वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है अनदर वॉट कैन हैपन दूसरा क्या हो सकता है मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदूंगा तुमसे और मैं ये लाइबिलिटी वाई से नहीं लूंगा तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन एक्स वाई जो नया कंपनी है वो वाई को दो चीज का पैसा देगा नंबर वन शेयर होल्डर के लिए तो देगा ही प्लस जो लाइबिलिटी वो टेक ओवर नहीं किया उसके लिए भी वो पैसा मांग रहा है यहां पे क्या हो रहा है मैं बाकी एसेट की तरह तुमको भी टेक ओवर कर लिया उसका भी बाकी एसेट लाइबिलिटी की तरह लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर लिया इस प्रोसेस में क्या हुआ इस प्रोसेस में क्या हुआ व्हाट इज प्रोसेस इन्वेस्टमेंट्स आई एम परचेसिंग मतलब उसके बदली में मैंने शेयर ऑलरेडी दे दिया लाइबिलिटी में खरीद लूंगा फिर बाद में उसको सेट ऑफ करवा दूंगा नॉर्मल जो अपन करते आए हैं नाउ व्हाट विल हैपन अब इस क्वेश्चन के हिसाब से करें तो इसका नेटो क्या आएगा वन लैख माइनस ट्वेंटी फाइव नो इन्वेस्टमेंट्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड और इसका नेटो क्या आएगा सिक्सटी माइनस फाइव फिफ्टी फाइव अल्टीमेटली देखना दोनों का मिला के कितना आ रहा है 130, 90 प्लस 40 इज 130, 75 प्लस 55 इज 130 तो फिर यहां पे क्या होगा अब यहां पे हमारा बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लोन टू वाई अकाउंट एक्स वाई लिमिटेड ठीक है इधर में लोन टू वाई मैं खरीद नहीं रहा तो यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल वन रिजर्व रिजर्वेंस सरप्लस टेन टू बैलेंस बी डी फिफ्टीन टू पी पी ई वन ट्वेंटी बाई सी एल कितना है बुक वैल्यू ट्वेंटी फाइव ठीक है इधर में क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर लोन फ्रॉम एक्स वाई लिमिटेड रियलाइजेशन मेरे को पैरेलली दिखाना पड़ेगा नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल फिफ्टी है रिजर्वेंस प्लस इसमें नेगेटिव टेन है यहां पे पंद्रह हजार का ये लाइबिलिटी टेकओवर नहीं वो अलग से खोल दिया टू पीपीई बाय करेंट लाइबिलिटी फाइव Now, ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है इधर में नया कंपनी क्या बोला मैं खरीद ले रहा हूं मैं सेटल कर दूंगा इसलिए इसको नेटो में ले लिया और क्योंकि नया कंपनी लाइबिलिटी एज्यूम कर लिया इसलिए पुराना कंपनी से हमने माइनस भी कर दिया नया कंपनी में ले लिया पुराना कंपनी में माइनस भी कर दिया राइट right? अब यहां क्या हो रहा है इसको सेपरेटली डिस्चार्ज कर रहे हैं हम लोग तो नया कंपनी लाइबिलिटी एज्यूब नहीं किया तो यहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं खरीदा मेरे को पीसी उतना ही मिलेगा बट थ्रू आई मिलेगा अल्टीमेटली वही हो रहा है राइट नाउ पीसी ड्यू दिखाएंगे आप पहले काम करते हैं पहले ये वाई का कर लेते हैं ठीक है एक्स वाई से टू रियलाइजेशन फिफ्टी फाइव थाउजेंड मिलेगा राइट right? है huh? बाई एक्स वाई से आ गया फिफ्टी फाइव डन मिला क्या इक्विटी शेयर इन एक्स वाई फिफ्टी फाइव है ना अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं होगा पहले इसको पंद्रह हजार दे दो बाकी बचा इसको दे दो ड्यू रियलाइज राइट एंड डिस्ट्रीब्यूट इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ठीक है पैकअप करेंगे लोन फ्रॉम एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है पंद्रह का पंद्रह सेटल रियलाइजेशन में कोई डिफरेंस नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर मैच कर गया है. पहले लोन पैकअप होगा लोन फ्रॉम एक्स उसके बाद रियलाइजेशन जस्ट लाइक लोन फ्रॉम एक्स इज टीटेड एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर ठीक है अच्छा ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया इसको रिलेशन बना दो और इसको एक्स वाई बना दो उल्टा लिख दिया डन अब मेरे को एक्स वाई से पहले ड्यू दिखाना है रियलाइजेशन सेवेंटी फाइव तो रियलाइजेशन में बाई एक्स वाई आएगा सेवेंटी फाइव रियलाइज करूंगा बाई इक्विटी शेयर इन एक्स वाई सेवेंटी फाइव है और इससे भी मिलेगा वाई भी देगा इक्विटी शेयर इन एक्स वाई पंद्रह ये वाला तो ये लोग लेके चला जाएगा समझा इसके बदली में भी हमको शेयर मिल रहा है और यह भी शेयर मिल रहा है मिला के टोटल शेयर कितना हुआ नाइन्टी तो इक्विटी शेयर होल्डर को नब्बे हजार शेयर देंगे मेरे को ये शेयर भी मिला है ये भी मिला ये वाई दिया ये एक्स वाई दिया ये देखो वाई को मिला था जो मिला था उसमें से पंद्रह हजार मेरे को दिया बाकी अपने शेयर होल्डर को दिया इज इट फाइन एवरी वन और मैंने दोनों मिला के अपने शेयर होल्डर को दे दिया ठीक है अब यहां पर पैकअप होगा बाई कुटीच वो लॉस बीस हजार ही आएगा जो पहले आया था इसको यहां डाल देंगे टू रियलाइजेशन बीस हजार देखो मैच कर जाएगा इज इट फाइन विथ ऑल ऑफ यू हाँ ये बोला आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम दिस लाइबिलिटी मैं तुमको दे दे रहा हूं तुम्हारा नेटो के बेसिस पे अब तुमको जो करना है करो मतलब जस्ट ट्रीट इट लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर नथिंग एल्स दोनों के लिए पीसी मिलता है ना तो जो मिला उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले क्लेम सेटल हुआ बाकी इक्विटी का आ गया अब नया कंपनी क्या एंट्री करेगा नया कंपनी कुछ तो करेगा ना नया कंपनी बहुत सिंपल है जर्नल एंट्री इन एक्स वाई पहला बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिक्विडेटर ऑफ वाई सेवेंटी फाइव फिफ्टी फाइव वन थर्टी पी डेबिट वन सिक्सटी होगा मैंने रिवैल्यू फिगर में खरीदा है एक्स का रिवैल्यूड फिगर में खरीदा है वाई के लिए कुछ बोला नहीं तो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं लूंगा ना ही इन्वेस्टमेंट लूंगा ना ही मैं लोन लूंगा वाई का टू करेंट लाइबिलिटी बोलो पच्चीस और पांच थर्टी टू बिजनेस परचेज वन थर्टी नो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर नो लाइबिलिटी अज्यूम्ड लिक्विडेटर ऑफ एक्स डेबिट लिक्विडेटर ऑफ वाई डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल सेवेंटी फाइव फिफ्टी फाइव वन थर्टी कुछ नहीं अज्यूम करना मेरे को नथिंग आई विल अज्यूम नो इफ आई टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स देन आई विल गिव हिम शेयर फॉर दैट हर एक एसेट का कीमत होता है देन इन दैट केस मेरे को तुम्हारा लोन भी एज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज मैंने उसको सेटल किया है जस्ट हियर नथिंग एल्स ठीक है ये जो केस था इसमें मालूम है ना एंट्री नंबर टू में एसेट भी लेंगे लाइबिलिटी भी लेंगे फिर एंट्री नंबर फोर आएगा क्वान्ट्रा वाला नया कंपनी में हाँ नया कंपनी में आएगा ही ना क्योंकि मैंने तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी खरीदा है उसका लोन भी खरीदा है ठीक है बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है देखो इस टाइप का एडजस्टमेंट आना बिकॉज अल्टीमेटली थिंग्स आर सेम राइट तो बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा ये वाला चीज समझ गया ना तो हर चीज हो जाएगा कि जो भी मैं नेटो में खरीदता हूं हर एक चीज का पैसा देता हूं जो भी मैंने नेटो में खरीदा है उस हर एक चीज का मैं पैसा दे रहा हूं तो मैंने इन्वेस्टमेंट भी ले लिया मतलब इसको भी मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं तुम्हारा लाइबिलिटी अज्यूम करूंगा राइट right? मैं तुम्हारा लाइबिलिटी एज्यूम करूंगा दोनों ही मिल रहा है ना मेरे में अगर मैं इसको नहीं खरीद रहा हूं तो मैं तुम्हारा लाइबिलिटी एज्यूम नहीं करूंगा तुम उससे आके पैसा ले लो अब वो तुमको कैश देगा मेरा शेयर देगा तुम उससे समझो तो ऑब्वियसली वो शेयर देगा क्योंकि उसको शेयर ही मिला है मेरे से ठीक है ना चलो थैंक यू सो मच बाय